मेरे प्रिय लोगों, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से आप सभी लोगों को प्रेम भरी बधाई। आज के दिन प्रभु आपसे जो बातें बताने वाला है, भविष्यवाणी का जो वचन है, प्रार्थना के साथ, विश्वास के साथ, हो सके तो बाइबल अपने हाथ में उठाकर मैं जो वचन बोल रहा हूँ, चाहे स्क्रीन में हो सकता है, पर आप उस वचन को खोल कर आखिरी समय में जब मैं प्रार्थना करूंगा उस वचन पर हाथ रखकर आंखें बंद करके बहुत ही मन से प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर के अनुग्रह को आप देख पाओगे तभी। आज के दिन के लिए परमेश्वर की स्तुति कीजिए। आज पूरा दिन परमेश्वर आपके साथ रहने वाला है, ऐसे विश्वास का अंगीकार करके स्तुति के साथ हम इस वचन को पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 16 अध्याय और 6 वचन। और पवित्र आत्मा ने उन्हें वचन सुनाने से मना किया। उसी अध्याय के 7 वचन में, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने न दिया। आज मैं आपको देखकर एक बात प्रेम से बताना चाहता हूं। जो पवित्र आत्मा आपने पाया है उसमें एक समझाव है। जैसे एक पति पत्नी अच्छी तरह समझ जाते हैं तभी परिवार को अच्छी तरह मेंटेन करके वो आगे जा सकते हैं, घर बना सकते हैं, बच्चों को प्रभु में चला सकते हैं, ठीक उसी तरह आपके अंदर वास करने वाला पवित्र आत्मा को समझना बहुत जरूरी है। एक अंडरस्टैंडिंग होना जरूरी है। यहां पर प्रेरित पौलुस, बाइबल बताती है, यशिया में वचन सुनाना चाहते थे पर वहां पर वचन न सुनाने लायक वहां पर जो ने रोकता है, कौन रोकता है? हम जानते हैं शैतान रोकता है, पर यहां पर प्रभु यहां पर रोकता है। पवित्र आत्मा उन्हें जाने से मना करता है अगले वचन में। तो पवित्र आत्मा को समझना कितना जरूरी है यहां पर हम सीख पाते हैं। मेरे प्रिय लोगों, परमेश्वर के नाम से मैं कहता हूं, पवित्र आत्मा कभी हमें रोकता है, कहता है मत जाओ। प्रभु कहता है पुराने नियम में, यह युद्ध आपका नहीं है, वह यहोवा का है। अगले वचन में हम देखते हैं, कल आप तैयार होके जाइए। तो ऐसा हम देख पाते हैं। इसलिए पवित्र आत्मा को समझने वाला हृदय हमारे अंदर होना चाहिए। आप मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कीजिए, है हे प्रभु, कहां मैं जाऊं, कहां ना जाऊं। मार्गदर्शन अलग बात है, चलाया जाना अलग बात है। मार्गदर्शन अलग बात है, चलाया जाना इसे समझना चाहिए। आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है। कभी कभी शैतान हमें बहुत ही चालाकी से कहीं हमें ले जाएगा। दूसरे कुरिन्थियों के पत्र 2 अध्याय के 11 वचन में हम पढ़ते हैं, इसलिए क्या परमेश्वर इसे रोक रहा है, पवित्र आत्मा में रोक रहा है, शैतान रोक रहा है, कौन इसे कर रहा है? इसे अच्छी तरह से आराम से सोच करके, प्रार्थना करके एक निर्णय लेना जरूरी है। ओके, जल्दबाजी मत कीजिए। परमेश्वर भला है, परमेश्वर हर दिन की मांगे क्या है वो उसे अच्छी तरह जानता है। इसलिए इमोशनली एक्साइटमेंट के साथ किसी भी चीज को आप मत कीजिए। यीशु के नाम से मैं आपको बताता हूं, हर एक दिन प्रभु अनुग्रह रूप से हमें चलाएगा। बातचीत, दूसरे लोग जो बोलते हैं वो वेदना भरी हो सकती है, पर परमेश्वर जो करना चाहता है वो कभी नहीं रोकेगा। क्या पवित्र आत्मा को आप समझ गए हो? आश्चर्य रूप से आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, परमेश्वर के हाथ सौंप दीजिए। आज का दिन मीठा दिन, मधुर दिन, शांति से भरा हुआ दिन आपके लिए बनकर रहेगा, इसमें कोई शंका की बात नहीं है। प्रार्थना करें, सौंप देते हैं परमेश्वर के हवाले। प्रार्थना करते हैं हमारे प्यारे प्रभु, इस आशीष भरे समय में पवित्र आत्मा को समझने लायक। सबसे पहले प्रेरित पौलुस समझ नहीं पाए, क्यों रोक रहा है, क्यों ऐसे ऐसा कर रहा है, पर उस रोक को समझने के बाद अंतोकिया में जो फिलिपस वहां पर जाना था, इसीलिए परमेश्वर ऐसा रोक उसे लगाता है। उस फिलिपस शहर में वहां पर स्त्रियां मिलकर प्रार्थना करने वाले उस जगह में उसे वहां पर बातचीत करके लीदिया के द्वारा जो है अंतोकिया में बहुत बड़ी एक जागरण, वहां पर एक बहुत बड़ा नींव डालने के लिए ऐसा किया। तेरे रास्ते बहुत ही आश्चर्य भरे हैं जो अब हम प्रार्थना करते हैं। तेरे बच्चे निराश ना हो जाएं, एक अच्छी समझ
पवित्र आत्मा के ऊपर समझने लगे, यीशु के नाम से परिवार, आर्थिक स्थिति, बच्चों के लिए एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग हो जाए, तेरी ही सिर्फ महिमा हो यीशु के नाम से। अभी जो मेरे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं, तेरे बच्चे तेरे हाथों से अद्भुतों को वो ले ले, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमेन। प्रेज गॉड, गॉड ब्लेस यू। वापिस मैं आपको कहता हूं, दूसरों को जरूर शेयर कीजिए, परमेश्वर के नाम की महिमा हो। गॉड ब्लेस यू। प्रिय भाइयों और बहनों, आशा करते हैं कि यह संदेश आपके लिए आशीष का कारण बना होगा, और ऐसे संदेशों को सुनकर आशीष पाने के लिए जीसस मीट्स मिनिस्ट्री नामक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और प्रार्थनाओं और सलाह के लिए हमें संपर्क करें। हमारा फ़ोन नंबर 9841252836 और 7299542663। ईमेल gpsrobinson@hotmail.com। परमेश्वर आपको आशीष दे।